अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर और ब्लॉगिंग के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर सीपीएम वर्क करते हैं और लाखों रुपए की अर्निंग करते हैं, बल्कि कुछ लोग तो करोड़ों में चले जाते हैं। मैं खुद लाखों में अर्निंग करता हूँ, दो चैनल मेरे और सीपीएम वाले, इस पर मैं सीपीएम नहीं करता। लेकिन मोस्टली होता है इस तरह कि बहुत सारे लोगों की अर्निंग जो है दरमियान में सीपीएम शो हो जाती है, लेकिन वो उनके एडिशन तक नहीं पहुंच पाती, उनके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच जाती, ड्रॉप हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 मेन वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से आपका सीपीएम ड्रॉप होता है, जिनकी वजह से आपका सीपीएम फ्रीज होता है, आपके बैंक अकाउंट तक वो पैसे नहीं पहुंच पाते। हम कौन सी वो 5 गलतियां करते हैं, 5 रीजंस हैं, 5 वजूहात हैं हम करते हैं और हमारा सीपीएम ड्रॉप होता है, और हम इनमें से वो 5 कौन से काम नहीं करें तो हमारा सीपीएम ड्रॉप नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल A to Z बताऊंगा 5 वजूहात। इसमें जो नंबर 4 और 5 पे जो वजूहात हैं वो तो आपने मिस करनी ही नहीं है किसी भी हालत में। अब पहली जो 3 वजूहात हैं वो देख लेते हैं और आखिरी 2 नहीं देखते तो पहले 3 देखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप चाहे देखे या ना देखे आपको फायदा नहीं होने वाला, इसलिए आपकी वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। और अगर इसके अलावा आपका फिर भी कोई मसला आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जल्दी जवाब मिलेगा पहली फुर्सत में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को क्लिक कर दें, क्योंकि जितने भी दूसरे यूट्यूबर सारे पेमेंट कोर्स देते हैं मैं वो सारे कोर्स यहाँ पर फ्री में अपलोड करता हूँ, और जो ही मैं कोई कोर्स अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा मोबाइल के जरिए सीपीएम करने का मुकम्मल कोर्स, कंप्यूटर के जरिए सीपीएम करने का मुकम्मल कोर्स, और इसके अलावा के वीपीएन के अलावा हम सीपीएम कैसे करें उसका भी मैंने मुकम्मल तरीका दिया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा तो उनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहली वजह जो होती है सीपीएम ड्रॉप होने की वो हमारा वीपीएन है। अक्सर हम क्या करते हैं कि लोकल वीपीएन यूज करते हैं। लोकल का मतलब ये कि फ्री वाले वीपीएन हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो बार बार आपकी जो लोकेशन है, आपका जो आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो दरमियान में वो शो करता रहता है, जिसकी वजह से वो यूट्यूब को लगता है कि ये वीपीएन यूज कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई मेटा डाटा वो यूज कर रहे हैं, प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसके एल्गोरिथम को धोखा दिया जा रहा है। तो आपने वीपीएन हमेशा अच्छा यूज करना है और कोशिश करें कि अगर आप परमानेंट वर्क करते हैं तो वीपीएन आप पेड ले लें पूरे साल के लिए, और उस वीपीएन के पैसे आपके तकरीबन की 3-4 वीडियो में पूरे हो जाएंगे अगर आपने अच्छे तरीके से काम करना है तो। अदरवाइज आप फ्री यूज करते रहे, कुछ ना कुछ ड्रॉप होता रहेगा आपका, आपकी मर्जी है। सीपीएम ड्रॉप होने की दूसरी वजह ये होती है, मेन वजह, कि हम जिस इंटरनेट पे हमारा यूट्यूब चैनल होता है, जिस इंटरनेट पे हम अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसी इंटरनेट के थ्रू, मिसाल तौर पर हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, उसी वाईफाई पे हमारा लैपटॉप भी चलता है, हमारा पीसी भी चलता है और मोबाइल भी चलता है। हम कहते हैं कि जी हमारा चैनल तो मोबाइल के अंदर है और मैं जो सीपीएम वर्क है वो मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, तो नेट तो एक यूज हो रहा है। तो अब लैपटॉप भी उसी नेट से चला रहे हैं और मोबाइल भी जिसमें आपका यूट्यूब चैनल है वो भी उसी इंटरनेट पे है, तो इसमें कभी ना कभी वो शो कर देता है आपका आईपी एड्रेस, कहीं ना कहीं शो हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्यूब जो है आपका उसी भी हम ड्रॉप कर देता है। तो कोशिश करें कि जिस इंटरनेट पे आपका यूट्यूब चैनल है उस इंटरनेट पे आप सीपीएम वर्क ना करें, ये बहुत बड़ी वजह होती है। रीजन नंबर 3 है कि जब हम सीपीएम वर्क कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम सीपीएम वर्क करें जब आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। अगर दरमियान में बार बार आपका नेट जो है वो ड्रॉप होगा, फिर कनेक्ट होगा, फिर डिसकनेक्ट होगा, तो उस दरमियान में आपकी आईपी जो है वो शो हो जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगी, यूट्यूब डिटेक्ट कर लेगा और आपका सीपीएम ड्रॉप कर देगा। तो कोशिश करें कि स्ट्रांग इंटरनेट हो जहाँ पे पूरे सिग्नल आ रहे हों, मतलब कि इतना हो कि दरमियान में वो डिसकनेक्ट ना हो रहा हो आपका इंटरनेट, और फुल स्पीड के साथ आ रहा हो, आपका वीपीएन चलता रहे, वो दरमियान में डिसकनेक्ट ना हो, तो ये बहुत बड़ी वजह होती है। सीपीएम ड्रॉप होने की चौथी सबसे अहम वजह हमारे जीमेल है। मिसाल के तौर पर हम कोई 8-10 जीमेल क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर सीपीएम वर्क करते हैं, उसके ऊपर हम व्यूज लेते हैं, खुद व्यू लेते हैं, तो हमारे साथ होता क्या है, मिसाल के तौर पर एक जीमेल है, आप उससे आप किसी कंट्री से व्यूज ले रहे हैं और उसी चैनल पे आपका कोई ना कोई यूट्यूब चैनल बना हुआ है, मिसाल तौर पर कोई बना हुआ है जिसके ऊपर आप काम नहीं भी करते हो,
लेकिन चैनल बना हुआ है और चैनल बना हुआ है और उस चैनल के ऊपर आपने लोकेशन भी दी हुई है, जिस तरह ये लोकेशन पाकिस्तान है या आपको जो भी कंट्री है, इंडिया है, बांग्लादेश, जो भी है, आपने उसके ऊपर लोकेशन भी दी हुई है। उसी जी मेल से आप व्यू भी ले रहे हैं, सीपीएम वर्क भी कर रहे हैं। आप बेशक वीपीएन लगा लेंगे, वीपीएन दूसरे का कंट्री का आईपी एड्रेस शो करेगा, लेकिन वो जो है उसी जी मेल के ऊपर जो यूट्यूब आपका चैनल बना हुआ है, बेशक वीडियो नहीं भी है, आपने खाली सेटिंग की हुई है, वो तो आपका पाकिस्तान शो कर रहा है। वीपीएन आपका नॉर्वे, यूके, यूएसए शो कर रहा है, लेकिन यूट्यूब चैनल आपका पाकिस्तान या इंडिया शो कर रहा है। तो इसको भी यूट्यूब डिसेप्टिव मानता है, यूट्यूब इसको बैड क्लिक समझता है, ये कहता है कि ये हमारे एल्गोरिथम को धोखा दे रहे हैं और इस वजह से भी हो सकता है, काफी चांसेस हैं कि आपका जो सीपीएम है वो ड्रॉप हो और यूट्यूब आपको उतना यानी कि रेवेन्यू ना दे जितना आपको देना चाहिए। कोशिश करें इस जीमेल पे आप सीपीएम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर कोई यूट्यूब चैनल ना हो, आपने कोई ना उसके ऊपर वीडियो अपलोड की हो, सिर्फ ब्रांड न्यू जीमेल हो और उसके ऊपर आप व्यूज लें, तो आपको 100% और मुकम्मल रेवेन्यू मिलेगा सीपीएम का। सीपीएम ड्रॉप होने की पांचवी और सबसे अहम वजह वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक जीमेल के ऊपर हमने वीपीएन वर्क करना है, किसी आपने कोई वीडियो देखनी है उसके ऊपर व्यूज देना है। आज मैं सीपीएम वर्क कर रहा हूँ, उस जीमेल से मैंने एक अपनी वीडियो देखी है नॉर्वे की लोकेशन को सिलेक्ट करके, हो गया एक दिन गुजर गया, आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है। अगले दिन मैं क्या करता हूँ, उसी जीमेल से वीपीएन यूज करके मैं वीपीएन पे लोकेशन सेलेक्ट कर देता हूँ इंग्लैंड की और एक वीडियो देख लेता हूँ, व्यू आ गया। अगले दिन फिर मैं क्या करता हूँ कि उसी जीमेल से मैं लोकेशन फिर कर देता हूँ कहाँ की, यूएसए की, और फिर मैं एक व्यू ले लेता हूँ। तो जीमेल तो वही है, तो यूट्यूब नहीं समझेगा कि यार एक दिन इसका व्यू उसी जीमेल पे एक बार व्यू आ रहा है नॉर्वे से, एक दफा इंग्लैंड से, एक दफा यूएसए से, एक दफा ऑस्ट्रेलिया से, एक दफा न्यूजीलैंड से, तो ये क्या ड्रामा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसको हम छोटी छोटी चीजें हम समझते नहीं है इसको, लेकिन ये जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो बहुत तेज है, पहले से भी सिस्टम बहुत तेज हो चुके हैं, जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से ये लोग आगे सोचते हैं, ये ऐसे पैसे नहीं देते। तो कोशिश करें, अभी एक जीमेल है, आप रोजाना उसी जीमेल के ऊपर अगर आप नॉर्वे से व्यूज लेते हैं तो आप उस जीमेल के साथ कहीं निशान लगा दें, कोई अपने पास रख लें कि यार इस जीमेल के ऊपर जो मैं व्यूज लेता हूँ वो मैं नॉर्वे से लेता हूँ। तो रोजाना कोशिश करें कि उस जीमेल से उसी कंट्री की लोकेशन सेलेक्ट करके उसे व्यूज लें, ना कि बार बार चेंज करें, इसे आपका आपके जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो फौरन ही डिटेक्ट कर लेता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप काम करोगे थोड़े अरसे के बाद आप ये खुद जानोगे और खुद बाद में दूसरे लोगों को बताओगे कि वाकई यार इस तरह है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे कई साल हो गए सीपीएम वर्क करते हुए, लेकिन मैंने ये आखिर में आके बताने का सोचा कि यार दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि मैं खुद भी लाखों में अर्निंग कर रहा हूं, लेकिन वो मैं दिखाना नहीं चाहता, लोग डिटेक्ट कर लेंगे, चैनल हैक हो जाते हैं, भाई वो टेक्निकल तनवीर असगर का चैनल वो हैक हुआ है, 4 लाख सब्सक्राइबर था, हैक हो गया है, वापस नहीं आ रहा। तो ये आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज्यादा कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।